आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह के रूप में धरना और प्रदर्शन रखे हैं। हर जिलेवार कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी ने जिस तरीके से आज राजीव जी की प्रतिमा के नीचे इसका आयोजन सत्याग्रह का किया है, इसका उद्देश्य और इसका प्रतीक क्या है, इसका विचार क्या है, इसका सोच क्या है। राजीव जी की शहादत इस देश में मैं मानता हूं कि कोई भूला नहीं। जैसे उनने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने चिथड़े उड़वा लिए, मैं मानता हूं कि ये अपने आप में ऐसी शहादत है जिसको देश आने वाले जब तक सूरज चांद रहेगा, राजीव तेरा नाम रहेगा नारे को बुलंद करेगा। साथियों, राहुल जी के दादी इंदिरा जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने सीने को छन्नी करवा दी। उनके परिवार के नाना ने 13 साल तक जेल की सलाखों में रहे, देश की आजादी में अपना योगदान दिया। उन्हीं की विरासत जितनी भी थी आर्थिक, वो अहमदाबाद का आनंद भवन हो या हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति उन्होंने देश को दान कर दी। वो परिवार जिसने त्याग क्या होता है, सोनिया जी ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ा और ये कहा कि पद से बड़ा सेवा होती है, ये दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। इससे बढ़कर जिस तरीके से राहुल जी ने जब उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी तो उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ दिया और ये कहा कि जिम्मेवारी लेना चाहिए अगर, और फिर सबने मनाया, हम सब ने उनसे पूरे देश के एक एक कार्यकर्ता ने कहा तो भी उन्होंने उस बात को स्वीकार नहीं किया और अंतोगत्वा इस देश के दलित शोषित वंचित की आवाज बनकर उभरे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इस कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया। साथियों, राहुल जी करते क्या है, उन्होंने पूरी भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर पैदल चले और ये कहा कि देश की एकता और अखंडता तब तक नहीं रहेगी जब तक देश विश्वगुरु नहीं बन सकता। देश की एकता और अखंडता नहीं रहेगी जब तक देश की आम परिवार के लोगों की उन्नति और युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। शांति में ही समृद्धि है, शांति में ही समृद्धि है, सुख है। मैं मानता हूं इस भाव को उन्होंने जिया और आदरणीय शंकराचार्य जी जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलकर मानवता की रक्षा की कसम खाई और 4 पीठों की स्थापना करते हुए इस देश को, दुनिया को, ब्रह्मांड को ये एहसास कराया कि इस देश में जो हिंदू धर्म का भाव है जिसमें वसुदेव कुटुंब की बात होती है, जिसमें विश्व कल्याण की बात होती है, जिसमें बात होती है प्राणियों में सद्भावना, उसमें वो भाव भारतवर्ष से ही निकलता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा, देश बेरोजगार क्यों है, प्रधानमंत्री जी को अच्छा नहीं लगता। राहुल जी ने कहा कि आपने कहा था किसानों की आय दुगनी करूंगा, वो मिली नहीं तो प्रधानमंत्री जी को अच्छा नहीं लगता। प्रधानमंत्री जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई जो थी उससे 100 गुना ज्यादा हो गई, प्रधानमंत्री को अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने कहा था मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, जैसे ही पता चला कि खाने वाले ये लोग हैं और खिलाने वाले जो खाने वाले उनके संरक्षक सरकार और नरेंद्र मोदी है, ये ताकत से बात अगर उन्होंने संसद में कही तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने लोकतंत्र का एक ऐसा हथियार जो तानाशाही को स्थापित करता है उसका उपयोग कर लिया। लगातार जिस दिन 7 फरवरी को राहुल जी ने ये कहा, 7 फरवरी को राहुल जी ने भाषण दिया, 16 फरवरी के दिन वो याचिकाकर्ता जो गुजरात का ही है जिसका राहुल जी ने नाम नहीं लिया, उसने हाईकोर्ट में एक याचिका लगा रखी थी कि मुझे ये मुकदमा नहीं लड़ना है, मुकदमा रोकने की याचिका। देश में पहला केस था जिसने याचिका लगाई उसने वापस हाईकोर्ट में जाके कहा कि मैं याचिका नहीं लड़ना चाहता हूं। 16 फरवरी को याचिका वापस देता है, 23 फरवरी को मुकदमा चालू होता है और 17 मार्च को मुकदमा समाप्त होता है और 23 मार्च को राहुल जी की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है और 24 की सजा दी जाती है और 24 तारीख के दिन राहुल जी को लोकसभा से बाहर कर दिया जाता है। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? 1 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट बड़े से बड़े अपराध के लिए नहीं लगी, आतंकवादियों के लिए नहीं लगी। जिसने ये पूछ लिया कि 20,000 करोड़ रुपए की सेल कंपनियां किसकी है, उसके लिए 1 महीने में सजा से बर्खास्त करने तक का सफर तय कर लिया जाता है। साथियों, मैं महेंद्र जोशी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से पिछले 3 दिन से इंदौर में आंदोलन, सेवा दल का, यूथ कांग्रेस का और कांग्रेस परिवार के लोगों का हो रहा है,
कल वैसा ही आज जिला कांग्रेस कमेटी का कल भी हुआ था, आज भी है। मैं वैसा ही कल शहर कांग्रेस कमेटी का गांधी प्रतिमा पे होगा। आप सबसे अनुरोध है वहां भी पहुंचे। हर कांग्रेसी इस आंदोलन में जहां जिसको जैसे अपना योगदान दे जाए, देना बने वैसे देते रहो। विक्रांत धुनिया को आज उसके घर से 1000 से ज्यादा पुलिस उठा के ले गई है। समय आ गया जब जेल भरना पड़ेगी, समय आ गया जब जेल के अंदर भी आंदोलन करने पड़ेंगे, समय आ गया है कि सड़कों पर जनता के लिए अपने आप को शहादत भी देनी पड़ेगी। तो कांग्रेस जनों को तैयार रहने की आवश्यकता है। साथियों, मैं एक बार फिर अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, राहुल जी का ये बलिदान लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। राहुल जी का ये बलिदान देश में उस आदमी को जिसमें मत का अधिकार, मौलिक अधिकार मिला है, उसकी रक्षा के लिए है। ये बलिदान वंचित, शोषित और देश को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए एक पहला कदम है। साथियों, हम सब एकजुट रहे, एकमत रहे। कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में हर हालत में सरकार बनाएगी। इसी भाव के साथ सबको धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।